एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने रविवार को जीडीए सचिव व व्यापारियों के साथ जलकल में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का औचक निरीक्षण किया और वहां के व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने बताया कि जीडीए सचिव व एसपी ट्रैफिक के साथ में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। एसएसपी ने कहा कि कुछ गाड़ियां मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन पार्किंग में अधिक से अधिक वाहनों को खड़ा करने के लिए सोमवार को जीडीए व ट्रैफिक पुलिस के द्वारा महानगर में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि छठ पर्व के समाप्ति तक सभी वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े हों, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ को देखते हुए कुछ मार्गों को वन वे किए जाने पर चर्चा की जा रही है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, जीडीए सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जो लोग ग्राहक आ रहे हैं उनकी है या दुकान वालों की? दो होमगार्ड आप ड्यूटी लगा लें, कुछ ना करें, वो खाली जाए गाड़ी के पास खड़े हो जाए, अनाउंस करें लाउड एंड लेके कि ये गाड़ी हटा लीजिए और वो मल्टी लेवल पार्किंग तक लाके खड़ी करवा दें। अगर कल को दिन में 50 गाड़ियां भी वो लाके खड़ी करवा देते हैं तो 50 लोग ड्रीम करते हैं, अवेयर करते हैं उनको, उसके बाद हम ना मानेंगे तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब लिमिट है वहाँ खड़े करने की। तो ऐसा भी नहीं है कि हम चालान करते हैं यहाँ भर जाएगा फिर वो कहेंगे ना वहाँ बताओ, तो इसीलिए बजाय हम वहाँ करें पहले एक बार दो तीन दिन हम ट्राई करें, हमारे कोई कागज लगाने पड़ेगा और फोन लगाना पड़ेगा, फोन लगा के घुमा के यही लाके खड़ी कर दो आप और लॉन्ग पार्किंग का चालान हो जाए उसका, ठीक है। लेकिन ये अभी हम दो दिन रुकेंगे, चालान अभी नहीं करेंगे, लाके खड़ी कर दें, कोई अगर वहाँ गलत करता है तो करें। दो तीन दिन हम एकदम सामान्य चलवाएंगे, एक बार उसमें शुरू होता तो लोगों को पता भी चल जाएगा, अगर रूट के लिए तो पैसे नहीं देने पड़ सकते। जी आज सचिव जीडीए साहब के साथ में और एसपी ट्रैफिक साहब के साथ में कुछ व्यापारी बंधुओं के साथ में हमने आज मल्टी लेवल पार्किंग की कार्यप्रणाली का देखा है और इसमें कई गाड़ियां व्यापारियों ने आकर खड़ी करना शुरू किया है, परंतु इसको और प्रगति देने के लिए कल से अभियान चलेगा जिसमें कि जीडीए और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ये अभियान चलाएगी लोगों को जागरूक करने के लिए, और प्रयास रहेगा कि छठ समाप्त होने तक ये पार्किंग जो है फुल हो जाए और प्रतिदिन लोग इसी में आकर पार्किंग करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी इसमें व्यापारी बंधुओं से बात करते हुए लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करके कुछ जो कंजेस्टेड रास्ते हैं उनको वन वे करने का प्रयास किया जाएगा, इस संबंध में अभी हमारी चर्चा हुई है और इस पर एक विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार करके इसमें कार्य किया जाएगा।